हाय प्रीवन, आपका क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। तो धुआं, धूल, धुआं जैसे गैसें आदि प्रदूषकों की वायु में अभिवृद्धि जो मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होते हैं वायु प्रदूषण कहलाते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत जैसे जल, ज्वालामुखी विस्फोट, धूल, तूफान, अग्नि इत्यादि, तथा मानवकृत स्रोत जैसे उद्योग, मोटर वाहन, ताप, बिजली घर, शहरी कचरा, खदानों से निकली धुआं, धूल इत्यादि। दूसरा, उद्योगों से अनेक प्रकार की जहरीली गैस, राख और धूल निकलकर वायु में प्रदूषित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोटर वाहन, मोटर वाहन से मोनोक्साइड और सीसा वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। बड़े नगरों में 50 से 60% प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, ताप, बिजली घर, तो ताप बिजली घर से गंधक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, शहरी कचरा। तो नगरों और महानगरों में प्रतिदिन लाखों टन कचरा निकलता है। इसमें से बहुत कचरा जला दिया जाता है जिसका घना धुआं वायुमंडल में फैलकर उसे प्रदूषित कर देता है। तीसरा, खदानों से निकली धुएं, धूल, तो खदानों से और पत्थरों से पत्थरों के तोड़ने से भारी मात्रा में धूल निकलते हैं और वायुमंडल में फैल जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।